ऑल राइट गाइज, सो आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, लाइक काफी टाइम से वेट करने के बाद फाइनली आई गॉट द मी बैंड 6. सो हियर इज द बॉक्स ऑफ मी बैंड 6. टुडे विल अनबॉक्स दिस पर्टिकुलर मी बैंड 6 एंड विल चेक आउट द इनिशियल इंप्रेशंस ऑफ माइन. ओवरऑल ये बैंड कैसा है, मतलब कैसा है वो तो नहीं बता सकते, बट इनिशियल इंप्रेशंस आपको दे देते हैं इस बैंड का. एज यू गाइस कैन सी ओवर हियर ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स वी हैव द मी बैंड 6 लोगो एंड दिस इज अ ब्लैक कलर चाइनीज टिपिकल बॉक्स, जो चाइनीज बॉक्स हमेशा से रहता है इनका. सारी चीजें चाइनीज में लिख रखी है तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. सो विल डायरेक्टली गेट स्ट्रेट इनटू द अनबॉक्सिंग. आफ्टर अनबॉक्सिंग इट अप वी गेट 3 थिंग्स इनसाइड, द बैंड इटसेल्फ व्हिच इज रैप्ड इनटू अ प्लास्टिक, द सेकंड थिंग इज अ मैग्नेटिकली अटैचिंग चार्जिंग डॉक एंड द थर्ड थिंग इज सम पेपर वर्क. बाकी सारे वीडियो से मैंने चेक करा था कि काफी मोटी गाइड बुक देखने को मिली थी, बट यहाँ पे काफी पतली मेरे को देखने को मिली. सो दैट्स द पार्ट ऑफ द अनबॉक्सिंग गाइड. सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, माय नेम इज रोहित. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट मी गिव यू माय इनिशियल इंप्रेशंस. The quality of the band is quite good. As you guys already know about it, कि Mi Bands की quality काफ़ी अच्छी होती है. But अगर इसके पुराने वाले generation के band को, I mean Mi Band 5 को इसके साथ में रखते हैं, तो आपको design में कोई changes नहीं मिलेगा जब तक आप इसके screen को on नहीं करते हो. लाइक बैंड भी एक दूसरे का रिप्लेस कर लोगे आप, एक दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है. फिजिकल फॉर्म फैक्टर एग्जैक्टली 100% आइडेंटिकल है, कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत दोनों सिमिलर हैं यहाँ पे. बट जैसे आप स्क्रीन को ऑन करोगे यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस. काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप का डिज़ाइन ये लगा मेरे को देखने में यहाँ पे, और जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ा है और पूरे स्क्रीन को कैप्चर कर रहा है. थोड़े मोड़े बेजल्स अभी भी हैं डिस्प्ले पे, बट ये एक लाइक इनोवेटिव टाइप का डिज़ाइन हो गया जो ऑनर भी देखने को मिला था, ऑनर बैंड्स में, जो इसमें इस बार मी बैंड 6 में देखने को मिल रहा है. तो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, लाइक बाहर भी अच्छा आउटडोर विजिबल है. और अभी तो इनिशियल इंप्रेशन है ना, इसका फुल जो रिव्यू होगा ना उसमें सारी चीज़ें आपको बताएंगे इसके बारे में. ओवरऑल फील की बात करें सो इट फील सो गुड, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यूज़ करने में. और आपको डेफिनेटली फील होगा कि इसका जो स्क्रीन बड़ा साइज़ का है ना, उसमें आप ज़्यादा कंटेंट को कंज्यूम कर पा रहे हैं और साथ साथ ज़्यादा कंटेंट विजिबल भी है. तो आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना थ्रू आउट द UI, देन यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील इट इज़ क्वाइट सेटिस्फाइंग और काफ़ी मस्त लगता है यूज़ करने में. मैं झूठ मूठ की तारीफ नहीं कर रहा, एग्जैक्टली ऐसा है. आप यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ पता चल जाएगी. दिस टाइम मी बैंड 6 इज कमिंग विथ SPO2 सेंसर. तो अभी के टाइम में SPO2 सेंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब बहुत सारे वॉचेस इसको फेक भी कर रहे हैं, वेल इसमें ऑरिजिनल वाला प्रेजेंट है. इसको पूरे अच्छे से टेस्ट करेंगे, डेटा एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ. इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ है कि आपको SPO2 सेंसर देखने को मिलता है बस, बाकी सारी चीज़ें सेम है और आपको डिस्प्ले थोड़ा बड़ा मिलता है. और ये बैंड अभी तक मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा एक्सपीरियंस वाइज, लाइक जितना भी एक्सपीरियंस मैंने करा है मुझे काफी सही लग रहा है. सब चीजें आपको बताएंगे इसका फुल रिव्यू में. तो अगर मैं फुल रिव्यू इसका बना देता हूँ, लाइक फ्यूचर में आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कार्ड पे यहाँ पे लिंक मिल जाएगा फ्यूचर वाले रिव्यू वीडियो का, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं. एनीवेज ये बैंड चाइनीज वाला वेरियंट है, तो आप लोग कंसर्न हो गए कि मैंने कहाँ से खरीद लिया. लाइक सबने अनबॉक्सिंग रिव्यू अपलोड करा, कोई बताया नहीं किसने कहाँ से मंगवाया, इंपोर्ट कहाँ से करा. तो मैंने भी कुछ टाइम पहले एक वीडियो बना के अपलोड करा था कि हाउ टू बाय मी बैंड 6 फ्रॉम चाइना bango.in से. तो मैंने वहाँ से ख़रीदा था लाइक 4,300-3,500 के अराउंड पे करके, बट वो अपने ही कंट्री में बेचारा अभी भी फंसा पड़ा है, वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाया. तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने, लाइक माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, उसने ऑर्डर करा था fopper.com से. मेरे साथ कुछ पहले एक्सपीरियंस नहीं था fopper.com का, मैंने कभी ट्राई नहीं करा था. तो उसने मुझे बताया कि ये वेबसाइट ट्राई करो, इससे डिलीवर हो जाते हैं. तो मैंने 5,000 rupees पे कर दिए और मी बैंड 6 ऑर्डर करा, 3 से 4 दिन लगे मुझे मिल गया. बट मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 5,000 rupees पे करो और मी बैंड 6 fopper.com से खरीदो, डेफिनेटली वर्थ इट नहीं होगा. तो इसको चाइनीज़ वेरिएंट से इंग्लिश वेरिएंट में कन्वर्ट करना काफ़ी इजी है. आपको मीफिट की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और iOS डिवाइसेस में आईफोन में डाउनलोड करनी है. डाउनलोड करने के बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है उसमें, अगर आपका पहले से नहीं है तो, और ऐड डिवाइस करके आपको मी बैंड 6 को सिंपली पेयर कर देना है. ऑटोमेटिकली ये पेयर हो जाएगा, ये अपने रिसोर्सेज की फाइल को अपडेट भी कर लेगा और आपके फ़ोन में जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेट है
उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा, अपने आप में डिफॉल्ट लैंग्वेज बन जाएगा इसमें। तो ये काफ़ी मस्त चीज़ है और लाइक मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश वर्जन में, सारी चीज़ें इंग्लिश हो गई हैं, बस एक अली पे रह गया है, तो वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। सो गाइस दैट्स द प्रीटी मच इट फॉर द अनबॉक्सिंग गाइस। मुझे पता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस बैंड को लेकर के, मुझे भी थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो मैंने इस वीडियो को तुरंत बना दिया अभी जैसे अनबॉक्स करा मैंने, और इसका फुल रिव्यू जो है वो कुछ टाइम बाद अपलोड करते हैं, लाइक इसको अच्छे से यूज़ कर लेते हैं और सारी चीज़ें आपको एक एक करके इन डेप्थ बताते हैं। और इंडिया में कब लॉन्च होगा उसका तो कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है, बट ओवरऑल इनिशियल इंप्रेशन यही था। सो गाइज दैट्स द प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइज, होप यू गाइज एंजॉयड दिस पर्टिकुलर वीडियो, इफ यू एंजॉयड इट प्लीज़ गिव इट अ ह्यूज थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज फॉर मोर कूल वीडियोज लाइक दिस। आई कैच यू गाइज लेटर ऑन नेक्स्ट कमिंग वीडियो, टिल देन अ पीस आउट गाइज एंड Bye.